आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया गुरुवार 2 जून 2022 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी को हम कितना जानते हैं। दिव्य शंखनाद की इस विशेष प्रस्तुति के तहत पीठिका जी के दर्शन की यह तीसरी कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए अब पीठिका जी एवं प्रभु स्वरूप के भाव को जानते हैं। पुष्टि मार्गीय ग्रंथों में आचार्य चरणों की आज्ञाओं के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी को दो उपमाएं हमेशा प्रदान की जाती रही हैं, जिनमें प्रभु को निकुंज नायक और ब्रह्मांड नायक कहा जाता है। इन उपमाओं के साथ आनंद कंद शब्द का प्रयोग भी होता है। वैसे तो आचार्य चरणों एवं ग्रंथों में कई विद्वानों ने प्रभु श्री जी की पीठिका सहित अनेक भावों से व्याख्या की है, जिसमें सनातन के ग्रंथों के कई संस्कृत के श्लोकों का वर्णन भी है। लेकिन यदि हम सामान्य भाषा में समझना चाहें तो प्रभु श्रीनाथ जी के साथ लगने वाली ये दो उपमाएं हमें प्रभु के स्वरूप का थोड़ा ज्ञान कराती हैं। दोनों उपमाओं ब्रह्मांड नायक एवं निकुंज नायक में नायक स्वरूप प्रभु श्री जी स्वयं हैं। अब बचे दो शब्दों को हम देखें तो ब्रह्मांड एवं निकुंज, यह दोनों ही प्रभु की पीठिका में निहित हैं। अर्थात प्रभु श्री जी की पीठिका में जो चिन्ह हैं वे ब्रह्मांड एवं निकुंज के द्योतक हैं। यदि आचार्य चरणों सहित विद्वानों की व्याख्याओं का अवलोकन हम करें तो इन्हीं दो शब्दों को पीठिका में अलग अलग भावों से बताया गया है। एक विशेष उल्लेखनीय तथ्य और है। प्रभु श्री जी की पीठिका एवं स्वयं प्रभु श्री जी श्याम रंग के हैं और श्याम रंग का भाव वैष्णव भलीभांति जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका विस्तृत एवं विशेष विवरण हम आगे की प्रस्तुतियों में करेंगे। और जहाँ तक आनंद कंद शब्द का भाव हम समझें तो प्रभु की पीठिका में हिंसक एवं अहिंसक दोनों ही प्रकार के चिन्ह एक साथ विद्यमान हैं। अर्थात यहाँ अन्य कोई भाव नहीं है, केवल आनंद का भाव ही रहता है, जिससे जीवों के मूल स्वभाव भी गौण हो जाते हैं। उदाहरणार्थ नरसिंह, सर्प, गौमाताएँ, मयूर, शुक आदि विपरीत स्वभावों के होते हुए भी प्रभु की पीठिका में विद्यमान हैं। यदि हम ब्रह्मांड से प्रारंभ करें तो प्रभु की पीठिका में ब्रह्मांड का स्वरूप विद्यमान है। कैसे? हमारी सनातन संस्कृति को ब्रह्मांड का ज्ञान वेदों द्वारा प्राप्त है और समस्त वेदों का रस श्रीमद् भागवत में निहित है और भागवत द्वादश स्कंधात्मक है, जिनका प्रभु श्री जी की पीठिका में उपस्थित चिन्ह प्रतिनिधित्व करते हैं। श्याम रंग ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है। यह प्रभु के निराकार होने और साकार होने दोनों का ही द्योतक भी है। एक तथ्य को हमें अवश्य जानना चाहिए कि प्रभु श्रीनाथ जी भावात्मक स्वरूप हैं और स्वयं ब्रह्म स्वरूप भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के भाव हम आगामी प्रस्तुति में देखेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए
पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। चंदन घस अंग लगा चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया गुरुवार 2 जून 2022 है और पुष्टि मार्ग की प्रधान काल के तहत प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर की भावना का सर्वोपरि ध्यान रखा जाता है। जिसके तहत धराए चंदन सेवा, जल सेवा, पुष्प एवं कलियों की श्रृंगार सेवा भी होती है। इसी के तहत आज प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले यह श्रृंगार उष्णकालीन सेवा के तहत रोहिणी नक्षत्र में धराए जाने वाले श्रृंगार वस्त्र एवं आभरण है। आज प्रभु श्री जी के मंदिर में चंदन चोली का मनोरथ है, इसी कारण आज प्रभु को चंदन की चोली विशेष रूप से धराई जाती है और इसके साथ कली के श्रृंगार धराए जाते हैं। और उल्लेखनीय यह है कि चंदन की यह चोली सिद्ध करने की एक विशेष प्रक्रिया है श्री जी मंदिर में, जिसके तहत एक दिन पूर्व मलमल के वस्त्र पर चंदन के लेप किए जाते हैं, उनमें गुलाब जल का छिड़काव किया जाता है। यह लेप 1, 2 या 3 तह तक हो सकते हैं। तत्पश्चात यह चोली प्रभु को धराई जाती है। आज की इस भावना के तहत प्रभु श्री जी की साज सज्जा में केसर एवं चंदन मिश्रित चंदनी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई जाती है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होती है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 3 पड़गा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़गा जी पर माटी के कुंजा में सुगंधित जल भरा जाता है। सन्मुख में प्रभु के दृष्टि धरे जाती हैं और खेल के साज भी पधराए जाते हैं, जिसमें आज पट उष्ण काल का और गोटी हकीक की पधराई जाती है। अब श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज केसर मिश्रित चंदनिया रंग के मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें प्रभु को चोली एवं पिछोड़ा धराया जाता है। श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा छेड़ान का कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। अब श्री जी के श्रीमस्तक के श्रृंगार के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्रीमस्तक पर चंदनिया रंग की गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, लोम एवं तुर्रा धराए जाते हैं। तुर्रा के साथ धराई जाने वाली लोम मोतियों से बनी हुई होती है। श्री कर्ण के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज मोती के कर्ण फूल की एक जोड़ी धराई जाती है। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु के श्री हस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। आज 3 कमल की छड़ी के साथ गंगा जमनी के वेणु जी अर्थात स्वर्ण एवं रजत के मिश्र धातु से सिद्ध वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर,
वह बिच्छियाँ आभरण से मिलवा अर्थात मोती की ही धराई जाती हैं। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। आज विशेष मनोरथ होने के कारण प्रभु को राजभोग में आभरण बड़े करके चंदन की चोली धराई जाती है और उसके साथ कली के आभरण धराए जाते हैं। यह तो हमें ज्ञात ही है कि उष्ण काल में सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होता है तब शीतोपचारार्थ चंदन की गोली, चंदन की चोली, लपट झपट, खस खाना, जल विहार, शीतल जल स्नान आदि उत्तम माने गए हैं और प्रभु श्री जी में यह होते हैं। आज मंगला में चंदन चर्चित नील कलेवर राजभोग में चंदन की खोरी किए और चंदन पहरत श्याम बने, लालन पहरत है नव चंदन, आरती में पिछोरा खासा को कटी बांधे, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल, मान के पद में पायन चंदन लगाऊं, पोढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पोढ़े, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, शाकघर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सत्वा तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है तो श्रीजी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फव्वारे एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्तनिर्मित एवं हस्तचलित पंखों से प्रभु को शीतल पवन की सेवा निरंतर की जाती है तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, वे सौंधे की लपट झपट, सौंधे की लपट झपट पवन फैरन में, पवन फैरन में, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा, प्यारी के पिया को नेम, प्यारी के पिया को नेम, पिए के प्यारी सो प्रेम, प्यारी के पिया को नेम, पिए के प्यारी सो प्रेम, अरस परस रीज रिजावे, अरस परस रीज रिजावे, जेठ की दुपहरी में, जेठ की दुपहरी में, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंगाए लगावे, सौंधे की लपट झपट,
सोंधे की लपट झपट पवन फैरन चहु ओर खस सवार चहु ओर खस सवार जल गुलाब डार डार चहु ओर खस सवार चहु ओर खस सवार जल गुलाब डार डार शीतलाय भवन कियो शीतलाय भवन कियो कुंजाय मगल शीतलाय भवन कियो कुंजाय महल शोभा कछु कहीं न जाय शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाये शोभा कछु कहीं न जाय निरख नैन सचु पाये पवन ढुरावे परमानंद दास ठहल में पवन ढुरावे परमानंद दास ठहल में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा सोंधे की लपट झपट सोंधे की लपट झपट पवन फहरान में चंदन की खोर संवार जल गुलाब डार डार चाहूं और खस संवार जल गुलाब डार डार शीतल भवन कियो कुंज मगल शीतल भवन कियो कुंज मगल शोभा चुकई जाय निरख नैन सचु पाय शोभा कचुकई न जाय निरख नैन सचु पाय पवन ढुरावे परमानंद दास ठहल में पवन ढुरावे परमानंद दास ठहल में चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा अवे सोंधे की लपट झपट सोंधे की लपट झपट पवन फैरन में पवन फैरन में पवन फैरन में चंदन की खोर किए चंदन घस अंग लगा रे आ आ
के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाथ के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, काकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।